हम जिंदगी जी नहीं सह रहे थे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड टू चेंज विद दिस ट्रिप। टुडे मॉर्निंग ओनली आई वाज सर्फिंग इंस्टाग्राम और मैंने एक पोस्ट देखा एंड दैट पोस्ट सेड समथिंग लाइक यू नो हम जिंदगी जी नहीं रहे हम जिंदगी सह रहे एंड इट काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद मी यू नो एंड आई थिंक लाइक दिस होल ट्रिप और व्हेनेवर वी ट्रैवल द होल पॉइंट इज टू यू नो इन अ वे फाइंड अ सेल्फ बट मोर देन फाइंडिंग अ सेल्फ मेक स्टोरीज एंड आई समहाउ यू नो व्हेन आई कीप व्लॉगिंग फर्दर आई ट्राई एंड कनेक्ट ऑन दिस। मुझे फ्यूल लेस दिखा रहे इवन दो देयर इज थोड़ा फ्यूल बट एनी विच वेज मैं तो अभी भरवा दूंगा। नाउ इट्स शोइंग मी 384 किलोमीटर्स ट्रिप मीटर मुझे दिखा रहा है सो दैट्स अ थिंग आई थिंक सो आई हैव रिडन दिस बाइक फॉर 384 किलोमीटर्स। नाउ मुझे ऑनेस्टली ट्रिप रीसेट करने नहीं मालूम आई हैव टू वॉच अ फ्यू वीडियोज आई इवन मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रीसेट द ट्रिप मीटर एंड हेंस आई नेवर यू नो मैंने रीसेट किया नहीं है। और इफ यू कैन सी यहाँ पे दिखा रहे हैं 1915 सो आई थिंक इट्स 715 सो बेसिकली द जो बंदा सेट करता है टाइम ही हैज स्क्रूड अप हियर बट इट्स ओके। या मैम दैट्स इट एंड आई विल ट्राई एंड रिकॉर्ड कि कितना प्राइस हो रहा है फ्यूल्स का। हाँ फुल टैंक का कितना हुआ 831। मार्क के पीछे भी देयर इज लाइक अ बैग एंड दे हैव डन दिस अमेजिंग सेटअप एंड आई हैवंट सो वी हैव टू फिगर आउट कि ये बंजी कॉर्ड लेके हाउ वी आर गोइंग टू लाइक यू नो कम्प्लीटली ये पीछे कैसे डाल दूँ मैं। सो वी बेसिकली यूज टू बंजी कॉर्ड्स क्या के पास दो एक्स्ट्रा था सो एंड वी सेट इट अप लाइक दैट ये पूरा मड़गाड़ के नीचे से जाके ये सो आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं बंजी कॉर्ड्स यूज कर रहा है एंड लाइक ये निकलना चाहे तो मैंने ऐसे रखा है and all my stuff is actually in this even my wallet and stuff so I don't know should I give it to Mark or someone but I think so I'll better keep it। so I just bought the Xpulse 200 aka Rockley and I was pretty excited my friends Mark Kian and me that's Ryan and that's Kian decided chalo na yaar ek daman trip pe jaate hain and honestly speaking ye mera first long bike trip tha to mujhe nervous bhi feel ho raha tha excitement bhi thi और ये जो मोटोव्लॉग फुटेज आपको दिख रहा है दैट वाज टेकन फ्रॉम मार्क्स एक्शन कैमरा सो ये जो प्रस्पेक्टिव होगा ये मार्क के एक्शन कैमरा से होगा एंड मार्क वाज राइडिंग दी रॉयल एनफील्ड और कियान के पास CBR 250 थी सो या मैं मुझे कैसे भी करके ये व्लॉग में मोटोव्लॉग शामिल करना था सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट आई हैव दिस अमेजिंग स्टोरी ऑन व्हाई आई वांटेड टू यू नो इंक्लूड मोटोव्लॉग इन दिस वीडियो सो कीप सीइंग द व्लॉग और मैं आगे बताऊंगा आपको कि व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस अ प्रॉपर मोटोव्लॉग। एज यूजुअल ट्रैफिक यार ये मीरा रोड का जो हाईवे है ना यार हमेशा मतलब हमेशा ट्रैफिक मिलता है एंड क्या मालूम क्या आगे हुआ है एक्सीडेंट हुआ है कि क्या हुआ है लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन वी वर कमिंग बैक वी गॉट ट्रैफिक माफ कीजिए। आई रियली होप यू गाइस कैन हियर व्हाट आई एम सेइंग क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक 8 AM और सब हमारे प्लान के हिसाब से चला देन वी माइट रीच दमन बाय 11 AM बट ऑनेस्टली बहुत भूख लग रही है यार अभी हम और चलाएंगे और आगे अगर कुछ ढाबा या कुछ मिला तो बहुत सही होगा बिकॉज वड़ा पाव समोसा पाव या फिर चाय तो चाहिए चाहिए एंड मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे मोटर व्लॉग्स देखे हैं ना MSK मुंबई करने के और आज जब खुद मैं मोटर व्लॉग कर रहा हूँ तो इट्स सच अ डिफरेंट फीलिंग एंड जस्ट लुक एट द स्काई लाइक जब भी मैं राइड करता हूँ ना यार the only beautiful thing that takes my attention first is the sky yaar ye badal itne mast kaise dikh sakte yaar like wow aur bike ka halat yaar look at Rockley it's you know I'm still not used to calling him Rockley so that's a bit weird but more than that I look at this guys yaar ye mereko dard yahi ho raha hai ki literally my jeans are damn dirty like Kiana told us to get the Odyssey rainwear but I don't have it right now with me
We crossed like that. कौन सा अपन हम लोग ने कभी तो टोल पास किया? विरार वसई का टोल. We crossed the विरार वसई टोल. अभी 10 मिनट हो गया and then we sat down. अभी थोड़ा chill करते हैं because bro. जब भी अभी मैं वड़ा पाव देखते हैं तेरे को मालूम है मेरे को क्या याद आता है? मेरे को याद आता है कि अपन इतने पैसे में गोवा जाके आए. बट यू नो व्हाट्स मोर वियर्ड, सो आई हैड 5000 रुपीस का वड़ा पाव. नो नो नो, 200 रुपीस में वी वेंट टू गोवा. बट यू नो व्हाट इज मोर फनी, सो फ्रॉम द ऑफिस देयर इज गोल्ड, वी वेंट टू गोवा 90 bucks. सेम द जनरल कंपार्टमेंट इन, बट इफ यू गो टू वसई, आई थिंक फ्रॉम वसई यू गेट अ ट्रेन एंड फ्रॉम देयर लाइक इट्स फॉर 90 bucks. ब्रो मैं सुन रहा, आई एम लाइक ये साल भाई 90 rupees में जाएगा गोवा. वैसा हाँ, क्रेजी भाई. सो नेक्स्ट टाइम अपन बाइक पे ही जाएगा गोवा. अरे जाते यार, मैं तो रुक रहा हूँ. ट्रेन में गया था ना पहली बार. हाँ, तो इस बार हम लोग जाएगा. ट्रेन में सॉर्टेड रहता है भाई. बाइक का फील अलग रहता है. अपन ने बाइक खरीदा है किसके लिए ब्रो? लॉन्ग राइड्स के लिए. अभी अभी का वेट कर रहे हैं. आई स्वेर यार, आई स्वेर एट वन पॉइंट आई रियली थॉट वी विल गो टू केरला एंड यू नो गो मीट एंड एकदम सरप्राइज सरप्राइज करते हैं. फिर मैं देखा 1200 किलोमीटर. आई नो, फिर मैं बोला नहीं 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 एट वन पॉइंट बिकॉज ऑफ दैट गोवा डायरेक्टली जाएगा. फिर नहीं, थोड़ा स्मॉल रेट जैसे करेगा, दमन करेगा, पर पुणे लोनावला सेम सेम पहले शॉर्ट राइड से विल गेट यूज्ड टू इट. डायरेक्ट दमन. नहीं नहीं नहीं, दैट्स डायरेक्ट दमन. यू ऑल वांट टू गो? सो व्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि आई विल टेल यू गाइस अ स्टोरी विच बेसिकली मेड मी डिसाइड व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट मोटर व्लॉगिंग. सो क्या हो गया था इज दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम दमन, बट आई डिडंट वांट टू यूज द नाइट फुटेज बिकॉज वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है. एंड ऑनेस्टली आई वॉन्ट यू गाइज टू एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सीनरी एज यू लिसन टू दिस स्टोरी. सो या एज आई टोल्ड यू गाइज, हम लोग दमन से वापस आ रहे थे और बहुत एग्जॉस्टिव राइड हो गया था यार. वी वर राइडिंग फॉर लाइक यू नो 2 hours और सो कंटिन्यूस एंड वी वर रियली हंग्री एट दिस पॉइंट. सो हम लोग ने सोचा जो हाईवे पे जो मैकडोनल्ड्स और जो वगैरह आउटलेट आते हैं वहाँ से हम लोग कुछ खा लेंगे. सो वी गो देयर और टू आर बैड लक मैकडोनल्ड्स वॉज क्लोज्ड. सो वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन कि यार ये क्या हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, खाना है, बहुत भूख लग रहा है एंड वी स्टिल हैव लाइक एन आवर टू रीच यू नो बोरेवली साइड एटलीस्ट. सो वॉट डू वी डू? सो जैसे हम लोग ये बात कर रहे कि एन मैं और मार्क एक फैमिली आता है वहाँ पे, ठीक है, और वो फैमिली में से वो डैड आके मुझे और मार्क को पूछते कि यू गाइस आर व्लॉगर्स और समथिंग. एक्चुअली ही आस्क्ड मार्क दैट बिकॉज मार्क के हेलमेट पे ऑब्वियसली एक्शन कैमरा था. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इफ पीपल सी एक्शन कैमराज और हेलमेट्स दे ऑटोमेटिकली थिंक कि ओके दिस गाय मस्ट बी अ यूट्यूबर व्लॉगर और समथिंग लाइक दैट. सो मार्क इज लाइक या हाँ हाँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल एंड ऑल. एंड इवन आई वॉज लाइक टेलिंग हिम या आई बीन लाइक यू नो इन दिस यूट्यूब बिजनेस for like you know 5 years or so मैं vlogs बनाता हूँ. and he was like you know what वो अपना story हमें बताने लग गए. he was like मुझे bike rides करना बहुत मतलब बहुत पसंद है. I have gone here, I have gone there, I have done multiple bike trips, you know it just it's something that I really love. वो हमें बता रहे थे. and then we asked like then what happened, then he's like actually एक accident हो गया था and because of that you know the doctor told me that you won't be able to walk. And then obviously that was a shock to me, but with God's grace and everything he was telling us that I could walk again, but obviously I could never ride the bike in my life. And that is something that I really really wanted to do. I wanted to you know ride the bike, experience that whole journey and really have fun. तो एंड आई कुडंट डू दैट. सो यू नो जब ये पूरा यूट्यूब का मोटर व्लॉगिंग का सीन हो गया दैट वॉज रियली ऑसम बिकॉज यू नो तो ही वॉज टेलिंग अस हाउ ही इज वॉचिंग मुंबई कर निकेल एंड जत प्रज्योत एंड यू नो MSK एवरीवन. एंड ही वॉज लाइक जब वो लोग ऐसे बाइक चलाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ही खुद बाइक चला रहा और मुझे खुद ये सब जगह देखने मिल रहा है यार. एंड आई लिव माई यू नो विशेस थ्रू दैट एंड आई वॉज लाइक वाओ. सो वो जो स्टोरी मैंने सुना ना यार, आई वॉज लाइक दिस इज़ द रीज़न वाई वी डू वॉट वी डू. वी आर गोइंग ऑन दिस ट्रिप्स, वी आर यू नो मेकिंग स्टोरीज, वी आर रिकॉर्डिंग स्टफ जस्ट टू यू नो लिव लेट पीपल लिव दिस एंड दैट इज़ वाई आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू गाइज. सो इट्स अप्रॉक्स 1 PM राइट नाउ. वी रीच दमन, हम लोग ने दमन एंटर किया है. बट आई थिंक विच बीच वी हैव टू गो? जामपुर. वी हैव टू गो टू जामपुर बीच. देयर विल बेसिकली सर्च फॉर एन हाउस. अगर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा देन अगेन विल हैव टू गो एंड फाइंड अ न्यू हाउस समवेयर एल्स. सो होपफुली दैट हाउस इज गुड एंड यू नो कि अभी तो चिल करना है, बहुत राइडिंग कर लिया है.
सो दिस राइट ईयर इज जम्पोर बीच, और ये जो स्टार्टिंग का सीन है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक जस्ट लुक एट द व्यू, लाइक मैं मेस्मराइज्ड हो गया ऑनेस्टली स्पीकिंग. और जो हमारा रूम है वो एक्चुअली राइट हैंड साइड पे, विच आई विल शो यू गाइस लेटर ऑफ कोर्स. एंड बेसिकली वी वर डिसाइडिंग कि यार क्या करना है, क्योंकि हम लोग को क्या कैश निकालना था. सो वी थॉट कि यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गो अहेड, और वहाँ पे कुछ ATM होगा, सो वी रिमूव कैश फ्रॉम देयर. एंड जैसे आप आगे जाते हो ना, यू गेट दिस व्यू. गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये देख के क्या याद आता है, आई वॉज लाइक, मैंने देखा ना, आई वॉज लाइक मरीन ड्राइव. आई नो इट्स काइंड ऑफ डम ऑफ मी टू थिंक दैट, बट इट लुक लाइक सच एन अमेजिंग वर्जन ऑफ मरीन ड्राइव, लाइक अपडेट एकदम. लाइक दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट अबाउट. सो दिस टू व्यूज ना यार, वो जम्पोर बीच का जो स्टार्टिंग वाला व्यू था, और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा. लाइक एक बहुत पीसफुल फीलिंग आता है ये. सो ऑनेस्टली लाइक यू नो, इफ लाइक वी कुड हैव स्टेड देयर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक सो आई वुड रियली वुड हैव लाइक्ड यू नो लाइक सिटिंग देयर एंड टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, लाइक दैट वुड हैव बीन प्रीटी कूल. सो या, इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू कम हियर, तो ये व्यू चेकआउट करो, हैव फन. लाइक द वेदर इज अमेजिंग एज यू कैन सी. सो दिस राइट हियर इज आवर व्यू. क्रेजी राइट? I thought I'll add this in a cinematic video, but I think so it's better like that. Like, just look at it. I like, and there's honestly like, if you take your bikes and वहाँ से अगर तुम लोग ride करोगे, there's like a area which looks like Marine Drive, just much prettier in a way. So I'll see if Mark or Kian has the video, I'll add that also. Or if later we are going there, that will be pretty cool. Hopefully, I really want to go and swim. I think there are people swimming, but वो लोग सिर्फ like दिखते हैं. We were extremely hungry, so we were like, screw it. यहाँ से अभी के लिए कुछ खाते हैं. I'm just putting this in the vlog कि if you guys come to Hotel Chinatown, then you know if you want to order or no, or if you yes. have to go out. You should show the ambience. अरे वो everything will come bro. सो जम्पोर बीच में वी स्टेड एट होटल चाइना टाउन, एंड ऑनेस्टली इट वॉज एन ओवर किल बिकॉज दे चार्ज सो मच मनी जस्ट बिकॉज देयर होटल इज इन फ्रंट ऑफ जम्पोर बीच. सो इफ यू गाइज वॉन्ट अ बजट स्टे, आई डू नॉट सजेस्ट स्टेइंग देयर, बट इफ यू गाइज लाइक आर अ कपल एंड विजिटिंग दमन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो या यू गाइज कैन डू दैट. बट ऑनेस्टली आई वुडंट रियली सजेस्ट दैट, बट या इट हैज अमेजिंग व्यूज एज यू ऑलरेडी सीन. Now that right there is our hotel, वहाँ पे मैंने जो आपको व्यू दिखाया था, and this is basically like a close-up view of Jampur Beach. And honestly, अभी दूर से तो अच्छा लग रहा है. See the whole point of coming so far and everything is so that Mark and I can swim. So let's just check इधर क्या क्या कर सकते हैं. For some reason you can do camel riding here, like that's available. And there's obviously there's horse riding, और वहाँ पे if you can see there's an ATV. मुझे मालूम नहीं कितना चार्ज कर रहे हैं. व्हाट हाउ मच डू यू गेस ही मस्ट बी चार्जिंग, जस्ट एन गेस. 150-200 बक्स फॉर अ राउंड. फॉर अ राउंड क्या, हम थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है ऐसा छोटा राउंड ही देगा. एंड देन डीजल इन इट, सो प्रीटी जस्टिफायबल. ओके, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव योर स्मॉल स्टॉल्स हियर, दैट्स द नारियल पानी वाला एंड एवरीथिंग. एनी बीच इज बेटर देन गोराई बीच एट दिस पॉइंट, बट बहुत साल से मैं गोराई बीच भी नहीं गया. Manori and Gora is not very fun. We have been to Manori for cycling blocks, if you remember. But I feel we might have fun. It looks decent. Yeah. For a place like this. Dude, I'm excited. Decent. You got the GoPro. Okay, the DJI Osmo, whatever, an action camera. We'll hopefully get cinematic shots. Hopefully. And mostly. Yeah, he's gonna take the cinematic shots. No, no, the amateur no, who's learning no. it.
basically 1:35 PM and we are going to move out right now. So Kian told us about the coastal road. Yeah, coastal road. So we are planning that. The thing with the coastal road, it's going to look good, hopefully. Like, that's what we are hoping for. Yeah. But then, yeah. It's along the coastal road. So we are going to go to Danu. And from Danu, we will be going on the main highway. Main highway, we all just want the McDonald's. Yes. So yeah, so that's the plan. होपफुली इसके कैमरा में कुछ अच्छा मस्त सिनेमैटिक शॉट्स आ जाए जिसको मैं मोटो व्लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखने जाओ तो दमन बहुत छोटी जगह है एक्सप्लोर करने को, बट मेरा एक छोटा सा एक रिग्रेट है दैट वी कुडंट एक्सप्लोर दमन प्रॉपरली। क्या हो गया था कि डे वन पे हम लोग ने इतना राइड कर लिया था एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट यू नो एटलीस्ट आई वॉज राइडिंग फॉर सो लॉन्ग। सो जब हम लोग हमारे होटल रूम में आए एंड वी सेटल डाउन वी वर लाइक एग्जॉस्टेड। तो हम लोग ने लिटरली सिर्फ दमन में जमपुर बीच एक्सप्लोर किया और वो भी जस्ट हम लोग के घर के सामने था। सो देयर वॉज नॉट मच दैट वी एक्सप्लोर्ड इन दमन। और क्या हो गया था कि रात को ना कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे, सो ऑब्वियसली ऑल द शॉप्स होटल्स रेस्टोरेंट्स जो भी थे दमन में बहुत फटाफट बंद हो गए थे। सो खाने का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। सो मुझे एटलीस्ट लाइक ये एक फीलिंग था कि आई शुड हैव गॉन एंड यू नो एक्सप्लोर्ड मोर प्लेसेस। यार बाइक्स थे हमारे पास, सो या वो थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं रिग्रेट बोल सकते हो, बट इट्स ओके राइट। प्लीज यू गाइस नो दैट यू नो प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर मोर प्लेसेस इन दमन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेयर ऑल प्लेसेस वी कुड हैव गॉन इन दमन। और दमन में एक यू नो एक वड़ा पाव वाला है विच वॉज रियली अमेजिंग, आई फॉरगॉट द नेम, बट या यू गाइस लाइक यू नो आप अगर वहाँ पे पूछोगे तो शायद दे विल रेकमेंड यू कौन था वो वड़ा पाव वाला एंड एवरीथिंग, बट इट्स प्रीटी फेमस देम। सो फॉर डे टू दैट इज टुडे कियान वॉज लाइक वील टेक द कोस्टल रोड वाइल वी गो होम। सो ऑनेस्टली दैट वॉज लाइक एन अमेजिंग प्लान मुझे लग रहा है, क्योंकि यार आप व्यूज तो देखो यार क्या मस्त व्यूज देखने मिल रहे हैं, लाइक यू नो ट्रीज एट बोथ द साइड्स एंड ऑनेस्टली इट्स लाइक अमेजिंग व्यूज। बट सिर्फ एक मिस्टेक हम लोग ने कर दिया ना, दैट वी लेफ्ट आवर होटल लेट। हम वी शुड हैव लेफ्ट लाइक यू नो बाई 8 o'clock और 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ताकि जब हम लोग लाइक यू नो घर पहुँचे देन वी कुड हैव सीन लाइक द होल कोस्टल रोड प्रॉपरली। बिकॉज मुझे लग रहा है कियान इज टेकिंग अस टू नारगोल बीच, ऑन द वे ही आ रहा है ये, बट आई एम नॉट श्योर लाइक इफ वी एक्चुअली गोइंग देन ऑर नो। मुझे मालूम भी नहीं नारगोल बीच कैसे दिखेगा, बट लेट्स सी यार। ऑनेस्टली ये रोड मुझे थोड़ा और प्रिफर हो रहा है कंपेयर टू द हाईवे। लाइक हाईवे पे एट वन पॉइंट यू गेट रियली बोर्ड और यू रियली गेट टेम्पटेड टू गो फास्टर, इवन दो कोई ऐसा कुछ रीजन भी नहीं है फास्ट जाने का ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और फास्ट चले जाऊंगा ना तो एटलीस्ट मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा मेरे जगह पे। तो हाईवे यार उतना मजा नहीं आता है ऑनेस्टली, लाइक एक ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोस्टल रोड्स एंड दैट ऑल बहुत एक लाइक यू कैन एक्चुअली एंजॉय द सीनरी, यू कैन यू नो थिंक फॉर योर सेल्फ एंड ये वाला रोड तो आई थिंक आई विल प्रेफर मोर ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई ये तो बहुत सही रोड मिल गया है यार, इसके लिए जो मेरा बाइक बना है ऑफ रोडिंग। आई नो इट्स नॉट दैट मच ऑफ ऑफ रोडिंग, बट यार आई एम हैविंग फन ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक्सपल्स 200 का ये तो मजा है। ओ ओ भाई ओ वाओ गाइस आर यू सीइंग दिस, लाइक हैंड्स डाउन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस दैट आई हैव एवर सीन। लाइक वाओ डूड आई वॉज लेजिट नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस व्यू, आई कैन नॉट वेट। मैं रुक नहीं सकता कि मैं जब बाइक से उतर के आपको सिनेमैटिक शॉट्स दूँ ये जगह का। वाओ लाइक वाओ ये रायन यहाँ से नहा के निकलने का है क्या ब्रो? लेट एक बात है लो गो फॉर मी ब्रो, लुक एट द वेव्स। यू नो जब किया ने हम लोग को बोला था दैट वी आर गोइंग टू टेक द कोस्टल रोड, मुझे नहीं मालूम था कि प्लान में ये भी है दैट वी आर गोइंग टू विजिट अ बीच एंड वी केप्ट राइडिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगा कि हम लोग ने सिर्फ 4-5 किलोमीटर राइड किया है, बट आई थिंक सो वी हैव 22 किलोमीटर्स का तो राइड हम लोग ने शायद से कम्प्लीट किया होगा एंड वी रीच नारगोल बीच एंड दिस इज इन गुजरात। मुझे अभी भी लग रहा था कि हम लोग दमन में है बिकॉज इट जस्ट फेल्ट सो शॉर्ट, बट डूड दिस बीच इज सो ब्यूटिफुल एंड आई एक्सप्लेन यू गाइस व्हाई दिस बीच इज रियली ब्यूटिफुल एंड आई फील लाइक अगर तुम लोग लाइक दमन साइड आ रहे हो लाइक फर्स्ट गो टू दिस बीच, लाइक यू नो गो टू नारगोल बीच हैव अ गुड टाइम एंड देन गो टू दमन, और लाइक इफ यू आर स्टेइंग फॉर दमन फॉर थोड़ा लाइक अ वीक और सो तो बीच में यहाँ पे आ जाओ नारगोल एंड देन गो बैक टू दमन, डिपेंड्स हाउ यू डू इट, बट दिस बीच इज वे बेटर देन
देन जामपुर, बिकॉज जामपुर इज अ बिट कमर्शलाइज्ड. तो जामपुर कैसे कि तुम लोग वहाँ पे आगे थोड़ा चिल करोगे एंड बस उतना है. बट दिस बीच आई थिंक सो यू कैन स्विम एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. मैं तुम्हें फर्स्ट पर्सपेक्टिव व्यू दूंगा एंड देन मे बी यू गेट एन आइडिया. सो एज यू कैन सी देयर वहाँ पे यू नो इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली और आई डोंट नो इफ यू आर अ कपल और समथिंग कैन नाइसली सिट देयर. इट्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट देयर और बहुत टाइम बाद मुझे ये दिख रहा है नो इट्स सो नाइस टू सी लाइक पिकनिक स्पॉट्स लाइक दैट. And Kian was telling me, you know, that people come here mostly, you know, with families. Because it's Sunday today. So weekend pe people come here and chill and everything. And look at this, yaar. Like, wow. So Mark ne ye dekha and he's like, yaar, we have to swim here. Oh, there's an ATV also. So we were like, chalo swim karte. I think so, if we would have come on a weekday, maybe no one would be here. So choose when you're coming here, but just look at it. It looks so beautiful. कुछ है पूरी